कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज षटक्रम पद्धति से भी संभव है। भोपाल में आयुष विभाग की सबसे बड़ी पद्धति षटक्रम पद्धति को माना गया है। षटक्रम पद्धति से इलाज करने का एक ऐसा तरीका ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है जिसमें कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, डिप्रेशन, साइनस, थायराइड, जुकर, बीपी, मिर्गी एवं मानसिक कमजोरी एवं शरीर के अंदर जमे क्लॉट को बिना ऑपरेशन किए बाहर निकाला जाता है। षटक्रम थेरेपी ऋषि मुनियों के द्वारा निर्मित की गई थेरेपी है। इसमें शरीर के इंटरनल पार्ट्स में जमी गंदगी को बाहर निकालकर 10 दिनों में मरीज को लाभ पहुंचाना शुरू हो जाता है। भोपाल के शिवाय कॉम्प्लेक्स स्कूल मोहर पर चल रहे श्री सिद्ध गुफा संस्थान के वैद्य आचार्य सुधीर मिश्रा जी दावा करते हैं कि उनके द्वारा दी गई षटक्रम पद्धति की थेरेपी से उन मरीजों को लाभ मिला है जिन्होंने एलोपैथी के माध्यम से इलाज कराते कराते हार मान ली। अंत में आचार्य सुधीर मिश्रा जी के द्वारा दी गई षटक्रम थेरेपी उनके लिए चमत्कार साबित हुई। पिछले कुछ दिनों पहले ही श्री सिद्ध गुफा संस्थान के आचार्य सुधीर मिश्रा ने दिल्ली के मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे को अपने उपचार से ठीक किया। आचार्य सुधीर मिश्रा के उपचार के बाद से दिल्ली का विभाग फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वृंदावन से आए योग गुरु एवं संत मोहन स्वरूपानंद जी महाराज का कहना है कि योग के द्वारा हर गंभीर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। योग के द्वारा भव सागर से सभी सुखों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। षटक्रम पद्धति में 84 प्रकार के आसन होते हैं। इन आसनों के माध्यम से शरीर के अंग मुलायम हो जाते हैं जिससे बिना दवाई के चैलेंज के साथ मरीज को खड़ा किया जा सकता है। आचार्य सुधीर मिश्रा जी के यहाँ पहुँच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें 10 दिनों में ये तरीका सिखा दिया जाता है जिससे वे अपने घर पर भी अपना कर शरीर को लाभ पहुँचा सकते हैं। षटक्रम पद्धति है आपकी, उससे कितनी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज के द्वारा किया जाता है? ऋषि मुनियों के द्वारा कौन कौन सी ऐसी बीमारी है उनका इलाज किया जाता है? कितने समय में इस बीमारी का इलाज कर दिया जाता है? कम से कम 3 महीने नियमित, अगर ज्यादा लंबी बीमारी है तो कम से कम 6 महीने। जी, नीति क्रियाओं से भोपाल के अंदर भी गले तक के कैंसर के रोगियों को लाभ मिला। जी, जिनको साइनस है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, अस्थमा है, मिर्गी के दौरे आते हैं, इन सारे लोगों का इलाज, जिनको बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं आंखों पर 10 वर्ष की अवस्था में, और जिससे भी पूछो वो कहता है दूर की, अभी से बाल्यावस्था से तुम्हारी दूरदृष्टि खराब हो रही है तो आगे भविष्य आपका क्या होगा? जी सही, सोचने का विषय। 25 साल पे जाकर के प्लस 5 हो जाए, बहुत मोटा लेंस हो जाएगा 40 वर्ष पे जाने पर, तो आपका जीवन बेकार है। दूरदृष्टि बिल्कुल हमारी सही होनी चाहिए और निकट दृष्टि भी हमारी सही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल है। हैदराबाद में एक बालक हमारे सामने आया, हमने उससे कहा भाई चश्मा हटाओ, चश्मा क्यों लगाए हो? बोले महाराज जी मेरे को आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा। हमने कहा क्यों? बोले मैंने कहा दूर की खराब है, पास की है। बोले दोनों ही खराब है, दूर की भी खराब है और पास की भी खराब है। आज ये जो आधुनिक पद्धति, जो मोबाइल सिस्टम चल गया है जी, इसकी वजह से बच्चों को ज्यादा परेशानी है। बच्चों से ये मोबाइल दूर रखने चाहिए जी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन का कल्याण 3 जी से ही है। शास्त्र सीधा कहते हैं मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषोवेद है। माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन करने से जीवन का कल्याण होता है, और जितने भी जो ये जी आ रहे हैं ये आपको भ्रमित करेंगे, आपका कल्याण नहीं कर सकते। सीधा सीधा इसलिए हमें अपने जीवन में माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है। वो जैसा कहें, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है, उनकी आयु है, जैसा निर्देशन दें उसके अनुसार चलना चाहिए। गुरुजी, जो षटक्रम पद्धति के द्वारा आप लोगों का इलाज करते हैं तो उसमें क्या ऑपरेशन या ऐसी कुछ शरीर को के पार्ट्स को खोला भी जाता है या बाहर से ही इन बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है? नहीं नहीं, ऑपरेशन कोई नहीं करना होता, कोई छेड़फाड़ नहीं करनी होती जी। नेति क्रिया है, नेति क्रिया के अंदर पहले जल नेति है, फिर सूत्र नेति है जी, फिर दुग्ध नेति है और घृत नेति है। ये नेति 4 प्रकार की है, विभिन्न लोगों के हिसाब से हम लोग उसको करवाते हैं। जल नेति, सूत्र नेति अत्यंत आवश्यक है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पहले लगातार 1 हफ्ते करे, समय मिले तो हर 3रे दिन करे जी। करते रहने से ही हमारे लाभ होता है। क्या दवाइयों का सहारा भी लिया जाता है षटक्रम पद्धति में गुरु जी? दवाइयों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने गुरुदेव के समय में कोई दवाइयों का ही रहते हैं, आसन भी सिखाते हैं, नीति क्रियाएं भी कराते हैं, प्राणायाम की क्रियाएं भी कराते हैं, कोई हमारे यहाँ चार्ज नहीं है।
हमारे दादा गुरुदेव के समय से ही ये सब फैली है। तो उन्होंने नेपाल हिमालय से आकर के इस संसारियों को जब दुखी देखा तो उन्होंने आकर के इसका प्रचार किया। गुरुजी चूंकि आप वृंदावन से ही हैं तो एक बात और पूछना चाहूंगा कि वृंदावन में भी एक गुरुजी हैं जो कथावाचक हैं और जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, उसके बाद भी वो बाकायदा कथा वाच भी रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है, इस बारे में क्या कहना चाहें? प्रेमानंद जी की दोनों किडनी फेल है और अब से नहीं 20 साल हो गए, लेकिन ये सब प्रभु की कृपा है। जब हम अपने आप को उन्हें पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो उनकी हमारे इस शरीर की का संरक्षण करने का अधिकार उनका है, हमको सिर्फ उनका चिंतन करना है। भूख प्यास खान पान सब जो वो दे वही खाएं, अपनी इच्छा से खाओगे तो वो कोई ना कहीं शरीर में रोग बनाएगा। ये थे दो जी, वो नियमित रूप से जो आदिशक्ति राधा हैं उनके ध्यान में रहते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। राधा नाम आधार रहते, हम सब की राधा आधार है। शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ है कि सुषुम्ना मार्ग संचारयति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सुषुम्ना नाड़ी में संचार करता हूँ देशांतर संस्था समस्त जीवों के। श्वास जो ऊपर से आ रही है वो अंदर जाती है, कृष्ण से मिलती है, वापस चली जाती है, आपको नहीं मिल रही। राधे राधे श्याम मिला देने से कोई ना कोई राधे मिल रही ना श्याम मिल रहा, लगे सब आधे। राधा को प्राप्त करना है तो धारा अमृतम शिव गुरुदेव नमामि, शिव की जो अमृत रूपी धारा है हमें उसका चिंतन करना है, तब हमारे जीवन का कल्याण है। मोबाइल की चार्जिंग नीचे से है, डिस्चार्जिंग ऊपर से है। इस शरीर की चार्जिंग ऊपर से है, डिस्चार्जिंग नीचे से है। मोबाइल को सब समझ रहे हैं लेकिन अपने शरीर को कोई नहीं समझ रहा। अग्नि का धुआं ऊपर जाता है, जल की वाष्प ऊपर जाती है, नदी का जल समुद्र की ओर भागता है, उसी तरीके से हमारे श्वास ऊपर की ओर जानी चाहिए जहां से आ रही है। शास्त्रों में दो ही सूत्र दिए हैं जीवन जीने के लिए, यत्र मनो लियते तत्र प्राणो लियते। दृष्टि में कोई वस्तु आई, मन को भाई शरीर उधर ही चल देता है, क्योंकि शरीर के अंदर वायु भरी हुई है। गैस का गुब्बारा जब तक हमारे हाथ में है तब तक हमारा हाथ से ढीला हुआ वायु का वेग जिधर होगा चल देगा। करना यह है कि यत्र प्राणो लियते तत्र मनो लियते, जहां प्राण लय होते हैं हमको अपना मन वहां लय करना। क्या हर व्यक्ति को षटकर्म पद्धति में आना चाहिए? हाँ, अगर जीवन को स्वस्थ रखना है, जीवन को सुखमय आनंदमय शांतिमय बनाना है तो यौगिक क्रियाएं उसको अवश्य करनी चाहिए, उसी से वो सही रह सकता है। या फिर मशीन टेस्टिंग करेगी। इस मशीन टेस्टिंग में भी मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि किसी बालक ने कीमा खाया, गर्मियों में कीमा डाइजेस्ट हुआ नहीं, उसको वोमिटिंग हुई तो उसमें कतले आए मांस के, और जो उनके रिश्तेदार थे अरे ये क्या हो गया, चलो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर को जब वो दिखाया बोले कि इनकी बायोप्सी करानी पड़ेगी, वो कह रहा है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने वो टुकड़ा लैब को भेज दिया, बायोप्सी की गई, अंदर से भी फिर टुकड़ा निकल के आया, वो टुकड़ा लैब को भेजा गया। अब चूंकि कीमा डेड है तो उसकी कैंसर की थेरेपी शुरू हो गई। ग्वालियर में ही जो कैंसर हॉस्पिटल है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 40 दिन उसका वहां पर सिकाई हुई और वो कह रहा है कि मेरे को ये कोई बीमारी नहीं है, तुम सब मिलकर के मुझे मरवा रहे हो। पेशेंट स्वयं इस बात के लिए कह रहा है, लेकिन किसी ने भी नहीं मानी और हार के वो बेचारा चला ही गया जी। तो पहले ऋषि मुनि तो नवल पकड़ के देख लेते थे, वैद्य लोग लगभग, क्योंकि वैद्य लोग सुबह 3 बजे से बैठ जाते थे ध्यान में, 7 बजे 8 बजे दुकान खोलते थे और जो भी आ गया मरीज उसको आयुर्वेदिक औषधि देनी, नबज पकड़ के देख लिया बता दिया। आज वो स्थिति नहीं, आज जो मशीन बताएगी उसके अनुसार डॉक्टर चलेगा, उनके पास अपना कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है और कोई नहीं उनका पट्टी कर। यौगिक क्रियाएं करने वाला, जीवन योग साधना करने वाला जीवन से ही पूर्ण PhD कर लेता है। योगात संप्राप्त ज्ञानम योगो धर्मस्य लक्षणम, योग से ही सब कुछ प्राप्त होता है और जो योग विद्या को समझ जाता है वो सब कुछ जान जाता है। और योग विद्या वह विद्या है जिसे न चोर हार्यम न भ्रात भाज्यम, न चोर चुरा सकता है और न ही भाई पार सकता है। धन संपत्ति के बंटवारे हो जाएंगे, लक्ष्य चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस क्रिया को करने वाला जानने वाला जंगल में भी आनंद लेता है और औरों को भी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, समाज का कल्याण।
देखिए ये थे हमारे साथ वृंदावन से मोहन स्वरूपानंद शास्त्री जी। इन्होंने बताया कि षटकर्म पद्धति गोवर्धन स्वरूपानंद शास्त्री जी ने बताया कि षटकर्म पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे अमूमन सभी बीमारियों का इलाज बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के, सिर्फ छोटे से इंतजाम, ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसे प्रकार, ऐसी विधियां बनाई गई हैं जिनके माध्यम से इन सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ना ऑपरेशन, ना कुछ ऐसी चीरफाड़ वाली प्रोसेस की जाती शरीर में जिससे कि बीमारी को सीधी तौर पर इस तरीके से इलाज किया जाता है षटकर्म पद्धति में कि उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। गोवर्धन जी बताते हैं कि चूंकि वृंदावन से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कई गुरुजी हैं जिनकी दोनों वृंदावन में ही ऐसे कई गुरुजी हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो लगातार कथावाचक कर रहे हैं, लगातार अपनी सारी सृष्टि पर, धरती पर जो सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं ले रहे हैं, अपना शरीर का सही उपयोग कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति ऊपरी शक्ति है। गोवर्धन महाराज जी के अनुसार बताया गया है कि हर व्यक्ति को षटकर्म पद्धति में एक बार आकर अपने शरीर की इंतजाम, शरीर की जांच करानी चाहिए। शरीर की हर बीमारी की इलाज षटकर्म पद्धति में मौजूद है। कैमरा पर्सन अनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल।